मुझे लगा था आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। लेकिन आपने मुझे पहचान लिया था। आप अपने देवा को कभी नहीं भूली। आया था मैं यहां पर बदला लेने के लिए आपसे, लेकिन नहीं ले पाया। बहुत कोशिश की आपसे नफरत करने की, लेकिन नहीं कर पाया। आपके साथ रहा तो देखा कि बचपन की छोटी तारा आज भी आपके अंदर है। वो बचपन की हमारी दोस्ती आज भी कहीं ना कहीं है। ये तारा मेम साहब तो किसी को धोखा दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो हर रिश्ते को दिल से निभाती है। तो मुझे लगा हमारी भी दोस्ती के रिश्ते को दिल से ही निभाएंगी आप। नहीं होते तो बाबा और मैं तो, खैर छोड़िए, आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम ही होगा मिस्टर मलिक। थैंक यू सो मच। कहते हैं तारा मैम कि दिल से ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं। लगता है शायद आपने दिल से ढूंढा नहीं मुझे, वरना मिल जाता। खैर छोड़िए ये सब, हवेली का आधा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए। कल मिलते हैं, आपका अधूरा काम आपका इंतजार कर रहा है। बोलने से क्या होता है, सामने वाला सुनना भी तो चाहिए। जैसे आज तूने बोला वो तारा मैम साहब ने सुना ही नहीं। वैसे अच्छा है नहीं सुना, वरना वापस से मेरा मजाक बन जाता। नहीं सुनने तेरी ज्ञान की बातें, ना तेरी ना उनकी, किसी की भी नहीं। अब देवा कमजोर नहीं पड़ेगा, कभी नहीं। पर तू, मैंने कहा ना जाए यहां से। जा। सही कहते हैं, सही कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।